और बड़ी खबर इस वक्त, वीएचपी नेता अशोक सिंघल का निधन हो गया है। कई दिनों से वो बीमार चल रहे थे। अशोक सिंघल अस्पताल में भर्ती थे गुड़गांव के मेदांता में। हालांकि बीच बीच में उनकी हालत में सुधार हो रहा था, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली। लगातार सांस की दिक्कत उन्हें हो रही थी, जिसकी वजह से उन्हें भर्ती कराया गया था अस्पताल में। हालांकि बीच में डॉक्टरों ने जरूर कहा था कि हालत उनकी ठीक है, स्थिर हो गई है। कई बड़े नेताओं ने उनसे इस दौरान मुलाकात भी की थी, लेकिन ये दुखद खबर। इस बीच अशोक सिंघल वीएसपी नेता, जिनका निधन हो गया है गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में। सांस की लंबे समय से उन्हें बीमारी थी, और कल ही हमने देखा था कि किस तरीके से कई बड़े नेता पहुंच रहे थे, कई दिनों से बीमार थे। और इसके बाद डॉक्टरों से भी लगातार ये बातचीत हो रही थी कि हालत में उनकी सुधार हो रहा है, लेकिन रहकर शाम के वक्त जरूर उनकी हालत बिगड़ी थी। और उसके बाद आज स्थिति को और संभालने की कोशिश में डॉक्टर लगे थे, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली। वीएसपी नेता अशोक सिंघल, हिंदुत्व के लिए काम करने वाले नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक, उनका निधन हो गया है। हम आपको बता दें कि काफी समय से बीमार थे, और हमने देखा पिछले एक हफ्ते से लगातार वो संघर्ष कर रहे थे, जूझ रहे थे, और आज उन्होंने 2:40 पर अंतिम सांस ली। तो वीएचपी नेता अशोक सिंघल का निधन हो गया है। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में वो भर्ती थे, कई दिनों से बीमार भी थे, और आज उन्होंने अंतिम सांस ली दोपहर 2:40 पर। 2:40 पर अशोक सिंघल का निधन हो गया है गुड़गांव के वेदांता हॉस्पिटल में। कल भी जिस तरीके की स्थिति देखी, सुबह उनकी हालत में सुधार था, लेकिन शाम होते होते ही अचानक उनकी तबियत फिर बिगड़ गई। राजनाथ सिंह भी मिलने पहुंचे थे, कई बड़े और नेता वीएसपी के इस दौरान मौजूद थे, लेकिन आज ज्यादा उनकी हालत बिगड़ी और दोपहर 2:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। तो अशोक सिंघल लंबे समय से बीमार चल रहे थे, और आज उनका निधन हो गया है। लगातार कोशिशें की जा रही थी। हमारे संवाददाता संतोष पाठक इस वक्त जुड़ चुके हैं। संतोष, कल हालत स्थिर थी, और आज दुखद खबर आई, एक बड़ा नुकसान, एक बड़ी क्षति हुई है। देखिए, बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद की बात कहे या देश में हिंदुत्व राजनीति की बात कहे, जो हिंदुत्व राजनीति के क्रूधा माने जाते रहे अशोक सिंघल साहब, पिछले कई दिनों से गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे। बीच में ये खबर आई कि तबियत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन उसके 24 घंटे के अंदर उनकी तबियत में थोड़ा बहुत सुधार हो रहा था, लेकिन पिछले 12 घंटे से उनकी तबियत लगातार बिगड़ती गई। डॉक्टर अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उनको नहीं बचा पाए, और 2:30 के आसपास का वक्त ये बताया जा रहा है जब अशोक सिंघल जी ने आखिरी सांस ली। तो कह सकते हैं कि एक बड़ी क्षति देश को, समाज को, और खासतौर से हिंदुत्व राजनीति को हुई है, क्योंकि तमाम जो हिंदूवादी आंदोलन की बात करें या राम जन्मभूमि आंदोलन की बात करें, विकास उसको अशोक सिंघल जी ने एक महत्वपूर्ण आयाम पर पहुंचाया था, तो एक बड़े युग का अंत हम इसको कह सकते हैं। जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी क्षति है। संतोष, लगातार डॉक्टर भी कल से कोशिश कर रहे थे। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ना सिर्फ भारत के लिए, ना सिर्फ हिंदुत्व के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक बड़ा नुकसान पहुंचा है। संतोष, बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद के वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे काफी लंबे सालों तक, उसके बाद चूंकि उनकी तबीयत लगातार खराब होती जा रही थी, वो एक्टिव बहुत ज्यादा नहीं रह पा रहे थे, तो अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक बना दिए गए थे। लेकिन लगातार विश्व हिंदू परिषद के जितने भी कार्यक्रम, चाहे वो देश के अंदर हो या देश के बाहर हो, विश्व हिंदू परिषद इस बात के लिए भी लगातार काम करता रहा है कि दुनिया भर में जो हिंदू फैले हुए हैं उनको किस तरह से संगठित किया जाए, उनको किस तरह से एकजुट किया जाए। तो निश्चित तौर पर जहां जहां भी हिंदू इस समय दुनिया के जिस देश में भी है, और जो कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद की मुहिम से जुड़े हुए हैं, थे और हैं और रहेंगे आगे जाकर, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका, एक बहुत बड़ा नुकसान, एक ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई तो बिल्कुल नहीं हो सकती, विकास, और निश्चित तौर पर दुख की घड़ी है उनके लिए, उन जैसे तमाम लोगों के लिए कि एक बहुत बड़े नेता, एक बहुत बड़ा नाम जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। जी विकास,
बिल्कुल संतोष, विश्व हिंदू परिषद के नेता संतोष अशोक सिंघल का निधन हुआ। और सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि हिंदुत्व के लिए जिस तरीके से वो लड़ाई लड़ रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, और संघर्ष करते रहे जीवन भर, और आज उन्होंने अंतिम सांस ली। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष पाठक आपका। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, सांस की तकलीफ ज्यादा बढ़ गई थी पिछले एक हफ्ते का के दौरान हम देखें तो डॉक्टर लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान उनकी रात से ज्यादा तबीयत बिगड़ी और इसकी वजह से उनका निधन हो गया। संतोष, अभी क्या डॉक्टर लगातार जिस तरह से कोशिश कर रहे थे, कौन कौन वहां पर हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि वीएचपी के तमाम कार्यकर्ता कल से ही हमने देखा थे दुआ कर रहे थे, कौन कौन पहुंचा हुआ है? देखिए, पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें विकास, तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री, संघ के बड़े बड़े नेता उनको देखने के लिए पहुंचे थे, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के राज्यपाल। आज की बात, अभी अभी कुछ देर पहले ये दुखद खबर आई है, परवीन तोगड़िया जो कि विश्व हिंदू परिषद के एक बड़े और महत्वपूर्ण नेता है, अशोक सिंघल के बहुत पुराने सहयोगी वो रहे हैं, उन्होंने इस बात को अभी से थोड़ी देर पहले ये कन्फर्म किया है कि अब अशोक जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर अब नेताओं के आने का सिलसिला, उनका जो ताता है वो लगना शुरू हो जाएगा। अभी विश्व हिंदू परिषद को ये तय करना है कि जो उनका पार्थिव शरीर है उनको कब लाया जाएगा। निश्चित तौर पर जो दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद का जो केंद्रीय कार्यालय है वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन बिल्कुल बिल्कुल संतोष। और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्नोत्री जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, कल तक हमने स्थिति देखी थी, सुधार हुआ था और आज ये दुखद खबर मिली, कितनी बड़ी क्षति, कितना बड़ा नुकसान? देखिए, पूरा जो एक हिंदुत्ववादी विचार है, भारत का हिंदुत्ववादी सोच है, उसको एक बड़ा झटका है। क्योंकि अगर आप देखें कि 80 के दशक से हिंदुत्व को भारत की राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम, और वो भी राजनीति में सीधे उतरे बिना, अगर किसी ने किया तो वो अशोक सिंघल ने किया। उससे पहले हिंदुत्व के प्रचारक आपको गैरिक वस्त्रों में मिलते थे, ये सफेद वस्त्रधारी थे, राजनीति में नहीं थे, अशोक सिंघल सन्यासी भी नहीं थे, ये दोनों ध्रुवों के बीच का एक ध्रुव था अशोक सिंघल, जिसका नाम था, जिसने हिंदुत्व की विचारधारा को राजनीति के केंद्रीय फलक पर लाके खड़ा कर दिया। और उसके बाद आप देखिए, जब 1984 में जाकर ये 89 में जाकर पालनपुर में भाजपा ने ये फैसला किया कि राम जन्मभूमि के आंदोलन से हम जुड़ेंगे, तो वो सारा आंदोलन, उसकी सारी व्यूह रचना अशोक सिंघल के दिमाग के ऊपर थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से। और उसका जो राजनीतिक फलितार्थ हुआ वो ये हुआ कि तमाम राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी और अंततः केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वाजपेयी की लीडरशिप में। तो हम ये कह सकते हैं कि अशोक सिंघल ने एक तो राजनीतिक तौर पर योगदान दिया उस विचारधारा का, और दूसरा उनका ये कि उनका जब मूल्यांकन इतिहास करेगा अशोक सिंघल का, तो मुझे लगता है, मेरी समझ से ये, कि इस बात को जरूर सामने रखा जाएगा कि हिंदू कहने में शर्मिंदगी को, इस भाव को अशोक सिंघल ने तोड़ा अपने आंदोलन से, अपने संघर्ष से, अपने प्रभाव से। और उसी के समय आप देखिए, एक बहुत मोस्ट पॉपुलर स्लोगन हिंदुस्तान में गूंजा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो वो भाव अशोक सिंघल ने पैदा किया। और तमाम संघ के विचारधारा में से जुड़े हुए तमाम ऐसे कार्यकर्ता जो आज बड़े पदों पर हैं भारतीय जनता पार्टी में या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठनों में, उनको अशोक सिंघल ने प्रशिक्षित किया, वो इनकी नर्सरी से निकल कर आए। तो कह सकते हैं हम कि अशोक सिंघल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो परिवार है उसका एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा, एक बड़े योगदान देने वाला व्यक्तित्व, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने भारत की राजनीतिक धारा को परिवर्तित कर दिया राजनीति में बिना आए। राजनीति में आने के बाद तो बीपी सिंह ने भी परिवर्तित की धारा मंडल आयोग लाकर, लेकिन बिना राजनीति में आए प्रकारांतर से भारत की राजनीति का एजेंडा बदल देना, ये काम अशोक सिंघल ने किया, ये मुझे लगता है एक बड़ा योगदान है अशोक सिंघल का। जी, और अमिताभ जी, एक लंबा वक्त है 20 साल का हिंदुत्व के लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे, और उनकी ये आखिरी इच्छा भी थी लगातार राम मंदिर को लेकर के शुरू से लेकर अंत तक, एक ये लड़ाई एक अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आप देखें एक हिंदुत्व को लेकर के, वो कितनी किस तरीके से सही दिशा में आपको दिखेगी ना रहते हुए? मुझे लगता है कि देखिए, जो राम जन्मभूमि
का जो मौलिक आंदोलन था 80 के दशक का, उसके जितने भी पुरोधा थे वो ज्यादातर अब दिवंगत हो गए। आज अशोक सिंघल उसकी मैं कहूंगा आखिरी कड़ी थे, है ना। मोरोपंत पिंगले हो, अशोक सिंघल हो, रामचंद्र दास हो, परमहंस रामचंद्र दास, ये तमाम बड़े लोग अब नहीं है इस देश में, इस लोक में। और दूसरे पक्षकार उनको देखिए आप, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से जो पक्षकार है जी, उनकी भी उम्र आप देखिए कितनी है और वो भी चलने फिरने से असमर्थ है। तो उस पूरी युद्ध, उस पूरे संघर्ष के दौरान के जो प्रतीक चेहरे थे वो धीरे धीरे आयु के उस पड़ाव पर पहुंच रहे हैं कि अब वो इस दुनिया से अलविदा कहें, उससे झटका लगेगा उस आंदोलन को। और मैं कहूंगा कि अशोक सिंघल की भूमिका केवल अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण तक सीमित नहीं थी। मंदिर निर्माण एक रास्ता था, एक प्रतीक था। अशोक सिंघल ने बेसिकली एक इस ढंग का विचार देश में स्थापित करने की कोशिश की और दुनिया में कि भारत में हिंदू धर्मावलंबी जो है वो अपने को सेकंड ग्रेड सिटीजन मानने को तैयार नहीं है अब। ये एक मैं मानता हूँ एक बड़ी बड़ी चीज थी, जो राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण से भी बड़ी चीज थी। अब देखिए उससे पहले का भारत और उसके बाद का भारत जी, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर एक नई चेतना आई। उस चेतना के ध्वजवाहक के तौर पर अशोक सिंघल याद रखे जाएंगे। अशोक सिंघल के आलोचक हो सकते हैं, उनके कामों से असहमति हो सकती है, लेकिन उनकी जिजीविषा और अशोक सिंघल की कर्मठता, ये दो चीज हमेशा याद रखी जाएंगी। अभी दो दिन पहले राजनाथ सिंह उनसे जब मिले थे जाकर मैदानता में, तो राजनाथ सिंह ने पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो उन्होंने हल्के से मुस्कुराए थे और कहा था कि मेरी तबीयत को क्या हुआ, अभी तो बहुत काम करना है। ये जो एक जिंदगी के प्रति ये जो एक अप्रोच थी काम करने की, दिन अब स्वास्थ्य उनका इतना खराब था, उनके भतीजे यहाँ बसंत कुंज में रहते हैं, मेरे शायद रवि सिंघल, वो उनके परिवार के लोग सारे लोग उनको मना करते थे कि अब ज्यादा ट्रेवल मत करिए, लेकिन अशोक सिंघल जिसका नाम था वो व्यक्ति रुकता नहीं था। आज बनारस, कल इलाहाबाद, परसों हैदराबाद, फिर पता लगता कांचीपुरम, फिर पता लगता कोलकाता, फिर दिल्ली। लोगों को मना करते थे कि आप इतना ट्रेवल मत करिए, आपके स्वास्थ्य के लिए संकट हो सकता है, लेकिन अशोक सिंघल जब तक जिए तब तक एक बहुत एक्टिव लाइफ, बहुत कर्मठ लाइफ, और जीवन के अंतिम क्षण तक वो पब्लिक लाइफ को जीते रहे। बिल्कुल। और अमिताभ जी जब भी वो अपनी बात रखते थे, चाहे मीडिया के सामने कार्यकर्ताओं से बात करते, तो वो दृढ़ता नजर आती थी, और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद की भी दृढ़ता कार्यकर्ताओं में दिखी। अब आने वाला वक्त विश्व हिंदू परिषद के लिए किस तरीके का आप देखते हैं? देखिए मैंने अगर मैं पूरे पर भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और तमाम जो संगठन है इन सबका अगर मैं गार्जियन मानूं तो आरएसएस जी। आरएसएस के कई सरसंघ चालकों के साथ मुझे पत्रकारी संपर्क रखने का अवसर मिला, बाला साहब देवरस, फिर रज्जू भैया, फिर सुदर्शन जी, फिर मोहन राव भागवत। मैंने देखा मोहन राव भागवत के समय तक तो अशोक सिंघल दूसरी भूमिका में आ गए थे, लेकिन इनका सबसे ज्यादा प्रखर कार्यकाल था जब रज्जू भैया सत्संग चालक थे, जब उसी वक्त ये 92 की घटना घटी थी। आप सोचिए, मुझसे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह कहा करते थे जो सत्संग चालक थे कि भाई अग्निहोत्री जी, इतना विकट काम अशोक जी ने किया है और वो केवल यही कर सकते थे। मैंने पूछा क्या, बोले इतने मठ, इतने संप्रदाय, इतनी पदवियां भारत के संत परंपरा में, बोले उन सन्यास, सैकड़ों सन्यासियों को एक साथ एक मंच पर रख पाना टिका के, बोले ये दुर्लभ काम था। आप तो जो उनके बीच में इतने हैरार्की के संकट थे, साधुओं के बीच में, सन्यासियों के बीच में, तो वो एक मिराकल जो अशोक सिंघल ने किया। फिर ये अशोक सिंघल के दिमाग की उपज थी, इन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया धर्म संसद। ये धर्म संसद का कंसेप्ट भी अशोक सिंघल के दिमाग का एक मौलिक वो था, इनोवेशन था, कि उसके बाद से फिर वो धर्म संसद लगातार होती थी। मुझे याद है यहाँ ब्रिटेनिया चौक पर, केशवपुरम क्या है, रोहिणी के उधर आसपास कोई ब्रिटेनिया चौक है एक जगह दिल्ली में, वहां पर धर्म संसद हुई थी। मैं उसको कवर करने गया था, जिसमें अशोक सिंघल ने 6 दिसंबर 1992 को कार सेवा होगी इस तारीख का ऐलान किया था। तो वो एक
स्ट्रक्चर्ड वे हिंदुत्व का उन्होंने बनाने की कोशिश की, जो मठों संप्रदायों और नाथों में विभक्त हिंदुत्व था उसको वो एक मंच पर लेकर आए और देश में और दुनिया में विश्व हिंदू परिषद को हिंदुओं की प्रतिनिधि संस्था के तौर पर उन्होंने मान्यता दिलवाई। ये एक बड़ा योगदान है उनका। राजनीतिक तौर पर उनसे असहमत हुआ जा सकता है, उनकी विचारधारा से असहमतियां हो सकती हैं, उनके काम करने की शैली से असहमतियां हो सकती हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ग के लिए उनका योगदान बड़ा है और वो वर्ग उनको उस योगदान के लिए याद रखेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और अमिताभ जी, हम ये समझ सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद उसी जोश की तरह से, उसी दृढ़ता के साथ अशोक सिंघल के ना रहते हुए भी उस रफ्तार से बढ़ पाएगा? मुझे नहीं लगता। देखिए, ऐसे कुछ लोग हैं ना, ये बहुत रेयरली पैदा होते हैं जी। अशोक सिंघल, आप देखिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अब तक के इतिहास में ऐसे कितने लोग हुए जिन्होंने कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। बाकी सामान्य जो सरसंघ चालक भी हुए उनमें आप देखिए, अगर गोल हेगडेवार जी के पास ज्यादा समय नहीं रहा, उसके बाद गोलवरकर जी हुए, गोलवरकर का कार्यकाल संघ में आज तक याद किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बीच के कई सत्संग चालक नेपथ्य में चले जाते, फिर रजू भैया का कार्यकाल याद किया जाता क्योंकि उस वक्त ये अयोध्या की घटना घट गई। तो जरूरी नहीं कि वैसा व्यक्तित्व बार बार पैदा हो। मुझे लगता है कि हिंदुत्व के आंदोलन के लिए अब दूसरा अशोक सिंघल क्रिएट कर पाना मुश्किल काम है जी। और अमिताभ जी, जब भी कभी मीडिया में सुर्खियां बनती थी, अशोक सिंघल कुछ कहते थे तो उसकी एक अलग तस्वीर होती थी, कोई वीएचपी का दूसरा लीडर कुछ कहता था तो उसकी एक अलग तस्वीर थी, उसमें ही एक जमीन आसमान का अंतर होता। देखिए, अब बाकी जितने लोग हैं इस वक्त विश्व हिंदू परिषद के लीडर जी, उनमें अगर आप देखें किसको लोग जानते हैं, मानते की तो बातें छोड़ दीजिए, तो उसमें प्रवीण तोगड़िया का नाम आता है। बाकी जो अभी लोग हैं, दिनेश जी हो, चंपत राय जी हो, जितने भी लोग हैं उनको अभी देश में लोग जानते नहीं और पहचानते भी नहीं चेहरे से। अशोक सिंघल लार्जर देन लाइफ था उनके नाम। और अशोक सिंघल जब कोई बात, देखिए आज तोगड़िया जी कोई बात कहते हैं, वो अध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद के, लेकिन तोगड़िया कोई बात कहते हैं तो कई लोग उस पर गंभीरता नहीं दिखाते, वो मानते हैं कि नहीं तोगड़िया है तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। अशोक सिंघल के पास वो गंभीरता थी, उनको लोग उसकी गंभीरता से लेता था, भारत का समाज, और उनकी बात में एक दृढ़ता भी थी जो उनके व्यक्तित्व का एक बड़ी हिस्सा रही ये दृढ़ता। और मैं देखता हूँ कि साधु संतों के बीच में वो काम करते थे अशोक सिंघल, उनके 24 में से 22 घंटे तो साधु संतों को मनाने में जाते थे, लेकिन फिर भी अशोक सिंघल की आवाज हमेशा एक शेर जैसी रही, कड़कता। ये उनके अपने व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू था। जब वो संतों के बीच में जाते थे तो वो बिल्कुल विनत भाव से जाते थे, बिल्कुल श्रद्धा भाव से जी। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे होते थे, मंच पर होते थे, तो वो एक योद्धा की तरह बात करते थे। बिल्कुल, ये उनके व्यक्तित्व के दो अलग अलग रंग थे। बिल्कुल, और इसलिए एक बड़ी क्षति, बड़ा नुकसान है। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ अग्निहोत्री जी। जिस तरीके से आज एक नुकसान हुआ है विश्व हिंदू परिषद के लिए, वो ये बताता जरूर है कि एक ऐसा इंसान जो सभी को साथ लेकर चलने की और विश्व हिंदू परिषद हिंदुत्व के लिए पूरे विश्व भर में एक चेहरा, वो क्षति हो गई है। कई दिनों से लंबे समय से बीमार चल रहे थे, सांस की तकलीफ एक हफ्ते पहले ज्यादा बढ़ गई थी और इसके बाद उन्हें वेदांता में भर्ती कराया गया था। कल तक स्थिति स्थिर थी लेकिन रात को अचानक से उनकी स्थिति बिगड़ी, क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गए और फिर आज दोपहर 2:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। लोकसभा चुनाव से पहले आपको याद होगा और कुंभ के समय आपको याद होगा, धर्म संसद के दौरान संतों का जमावड़ा लगा और उसमें एक बड़ी भूमिका अशोक सिंघल की थी।